नमस्कार, मैं हूँ अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1:11। और इस वक्त लोकतांत्रिक जनतांत्रिक पार्टी जो है उसके नेता लाइव हैं। पूर्व जो आपके विधानसभा के अध्यक्ष थे वो लाइव इस वक्त बोल रहे हैं, तो आइए सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं। ये बहुजन समाज के लोग जिस दिन जाएंगे, ये जो नकली आंसू बहाने वाले हैं आरक्षण के नाम में और धप्पा लूटने वाले लोग या आरक्षण समर्थक लोग, ये सब लोग रोड छोड़ के भाग जाएंगे जो स्थिति पैदा होगी। और वास्तव में अगर इनमें दम है, अभी डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी है, पटना भी है, ये लोग दम भरते हैं, तो जनगणना करा लीजिए। पहले जो जनगणना हुई है उसकी रिपोर्ट को आप प्रकाशित करिए और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी दे दीजिए, खत्म हो जाएगी बात। कोई जात का हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दे दीजिए। अगर इसको आप मान रहे हैं कि आरक्षण जो है सो गरीबी उन्मूलन का आधार मानते हैं तो दे दीजिए। और जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि आरक्षण सामाजिक पिछड़ेपन और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है। जो समाज से एक बड़का तबका वंचित है, कपड़ा धोने वाला गंदा कपड़ा धोने वाला, जूता उठाने वाला, चमड़ा निकालने वाला, मरे जानवरों को भेजने वाला, शौचालय साफ करने वाला, नाली साफ करने वाला, गटर साफ करने वाला, रोड की सफाई करने वाला, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण की घोषणा की, जिसको ये लोग आरक्षण का आधार बनाना चाहते हैं गरीबी उन्मूलन। यही लोग हैं जो आज आरक्षण लागू कर रहे हैं। 1990 में जब मंडल कमीशन लागू किया था लालू प्रसाद जी के समय में, शरद यादव मंडल मसीहा ने बीपी सिंह के साथ रह करके इसको लागू करवाया था मंडल कमीशन को, तो आज जो लोग यहां बैठे हैं, जो लोग हल्ला कर रहे हैं एनडीए में भाजपा के लोग, उसमें कमंडल निकालने का काम किया था, रथ निकालने का काम किया था। हम धन्यवाद देना चाहेंगे लालू प्रसाद जी को तत्कालीन समय के मुख्यमंत्री के रूप में, जो उन्होंने फैसला लिया था कि आडवाणी जी के रथ को रोकने का काम किया था और गिरफ्तार करने के लिए आडवाणी जी को। आज जो दिल्ली के हुकूमत में भारत सरकार के मंत्री हैं राजकुमार सिंह, आर के सिंह, उसमें गृह सचिव हुआ करते थे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आडवाणी जी को गिरफ्तार करके आप ले जाइए और वहां दुमका में एक जगह है जहां उनको ले जाकर रखिए, और ये काम किया गया था। आज वही लोग फिर से, जब देश की जनता जागी है, पिछड़े लोग जागे हैं, तो कभी राम मंदिर निकालते हैं और अभी आरक्षण निकालना है। इन लोगों ने 10% आरक्षण, चुनाव का मात्र 65 दिन बचा है कोड कंडक्ट लागू होने में, और उस समय ये लोग अच्छा छड़े हैं, तो अब फिर से अगले और पिछड़े की लड़ाई हो जाएगी। फिर से ये जो आरक्षण का समर्थन करने वाले लोग हैं उनको पिछड़े लोग देखेंगे, समझेंगे कि कैसा हमारा नकली नेता है जो डबल स्टैंडर्ड बना के रखता है समरस समाज के नाम में। आप जातीय उन्माद फैला के, धार्मिक उन्माद फैला के लोगों के वोट को खींचना चाहते हैं, वह अब असंभव है, आगे होने वाला नहीं है। फायदा मिलेगा चुनाव, किसको? बीजेपी को। समय बताएगा, 400 सीट से साफ हो जाएंगे बिहार के। रामविलास पासवान तो लगातार कर रहे हैं। तो लोकतांत्रिक जनता दल पार्टी के यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं बिहार के, वो आप सुन रहे थे उनको, कि पूर्व जो विधानसभा के अध्यक्ष उदयनारायण चौधरी है, क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से सरकार पर हमलावार हैं और किस तरीके से वो आरक्षण की बात पर कह रहे थे जो अभी लोकसभा में बिल पेश हुआ है। आपको बता दें कि उसको लेकर पूर्व जो आपके अध्यक्ष हैं विधानसभा के, वो इस समय प्रेस वार्ता कर रहे थे और वो हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। लेकिन ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए, आप जानने के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप हमें फेसबुक पर लाइक करें और आप हमें ट्विटर पर फॉलो ज़रूर करें। लेकिन फिलहाल इतना ही, नमस्कार।